हाय गाइस, मैं सीए कपिल गोयल और ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि किस तरह से आपको अपने बोथ ग्रुप सीए इंटरमीडिएट एग्जाम प्रिपेयर करने हैं फॉर योर मे 24 एग्जाम। काफी बच्चे पुणे में और काफी बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर बता दो कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि हम बालकों की ग्रुप वन की लेक्चर खत्म नहीं हुई है। नहीं हुई ना सर? नहीं हुए। आप यहाँ पे लिंक चेंज कर रहे हो लेक्चर का। लो जी, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ाई करनी है। प्लीज जो बातें मैं बोल रहा हूँ इनको फॉलो कीजिएगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है? हाँ जी सर, बता दो। अब आप ना इसमें से डिसाइड कर लेना आपकी क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से आप डिसीजन मेकिंग करना। ठीक है बेटा? आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये सब ना क्लास वाले बच्चे हैं, अब ये दूसरी क्लास में जाएंगे, इनका लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। अभी तक ये बोल रहे थे लेक्चर खत्म करो खत्म करो, हमें दूसरी क्लास में जाना है, अब ये जा नहीं रहे। कपिल सर अब चीज ही ऐसी हो, नहीं जा पाएंगे ये लोग। ये यू वाला कौन है? इधर तो आ। अरे मैं नहीं पूछ रहा, वो पूछ रही है, कह रहे सर मेरे को यू यू वाले अच्छे लगते हैं। लो जी बेटा, क्या कह रहे हो? जाओ, ये वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी, जाओ। सर हम नहीं जाएंगे, सर हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम पूरा सुनकर जाएंगे। लो बेटा, अभी हम हैं कहां पे? दिसंबर। ठीक है, आपका जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं, मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है बाबू, वो आपका एग्जाम जो इस बार, अरे वो जो आपका एग्जाम है ना इस बार, कब होने वाला है? जून में होने वाला है। ठीक है? बिकॉज ऑफ हमारे मोदी साहब। इसका मतलब अगर मैं मई तक की बात करूं तो करंटली हाउ मेनी मंथ्स वी हैव? दिसंबर कहाँ जाएगा? 6 महीने हो गए ना बेटा। और मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि जिस तरह से ये बालक है ना, आपकी भी कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि पढ़ने वाले तो आप भी नहीं हो। तो इसका मतलब आपका करंटली ना, करंटली अभी ग्रुप वन का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट चल रहा होगा, जैसे इन बच्चों का जीएसटी चल रहा है, तो मान लेता हूं आपका कोई भी एक सब्जेक्ट, एग्जाम्पल के लिए जीएसटी ले लेते हैं, रनिंग है। ठीक है जी? सर आपने सही पहचाना। दूसरा, मैं ये भी मान लेता हूं कि पिछले 4 महीने में आपने सही से पढ़ाई नहीं की, तो इस वजह से ना आपका पीछे का बाकी सब्जेक्ट का भी पेंडिंग है। एक एवरेज कर देता हूं यहाँ पे मैं, अगर इस एवरेज से आप ऊपर जा रहे हो तो भगवान कृष्ण का एक रोज तिलक लगाना है आपने। आपने मम्मी पापा के जो पांव नहीं छू रहे हो काफी सालों से, वो छूने स्टार्ट करने हैं, और अपने सभी टीचर्स को रात को सोते हुए धन्यवाद बोलना है, क्योंकि और कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ऑन एन एवरेज मैं मान लेता हूँ हर बच्चे का कुछ ना कुछ 10-12 लेक्चर पेंडिंग चल रहा है, तो टोटल 3 सब्जेक्ट है। मैं बोल देता हूँ आपका 30-40 लेक्चर सभी सब्जेक्ट का मिला के आप यहाँ पे पेंडिंग हो। सॉर्टेड? ये तो हो गया ग्रुप वन का काम। अब बात करते हैं ग्रुप टू की। क्लासेस कंप्लीट है इसके अलावा। ग्रुप टू में सर मेरी ऑडिट की क्लासेस रनिंग है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रीवियस रिकॉर्डिंग लेके सिलेबस खत्म कर दिया होगा, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, लेकिन अभी मैं रनिंग मान रहा हूँ। और आपका एफएम भी रनिंग होगा, एसएम भी आपका रनिंग होगा, कॉस्टिंग बहुत सारे स्टूडेंट ने ग्रुप वन के साथ कंप्लीट कर लिया है, काफी बच्चों का ये भी रनिंग होगा। ठीक है जी? तो ये आपका स्टेटस ऑफ करंट सिचुएशन है। आपको अब क्या करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप अपने माइंड से ना एक बोझ उतारिए कि आपके पास टाइम कम है, आपके पास प्रॉपर टाइम है अगर आप आज से अभी से इसको सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो आप वो मंथ्स ब्लॉक कर दो जो आपको मंथ्स चाहिए अपने रिवीजन के लिए, जिसको मतलब आप बिल्कुल भी नहीं हिला सकते हो। उसके लिए आप मान लीजिए जब आपका जून में एग्जाम है ना, उससे पहले आपको 2 मंथ्स और 2.5 मंथ्स आपको एटलीस्ट चाहिए टू रिवाइज 6 पेपर्स। बट मैं ऐसा प्लान आपको दे रहा हूँ जिसमें आप 3 पेपर उस टाइम से पहले ही रिवाइज कर लोगे, तो अगर आपको 2 महीने भी मिलेंगे ना तो यू आर विल बी सफिशिएंट और गुड कंडीशन। तो कोशिश कीजिएगा पीछे वाला जरूर आप फॉलो करें। तो यहाँ पे अगर 2 महीने अपन बैक करें तो बेटा कौन सा महीना आ जाएगा? अप्रैल, राइट? तो यहाँ पे आपका ना अप्रैल प्लस मई आपको ना कोई भी पेंडिंग कंटेंट करने वाले हालात में नहीं रहोगे आप। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? रिविजन करना है जी। ठीक है सर, अब मतलब हमारे पास बैलेंस बचे कितने मंथ, कितने महीने बचे? 4 मंथ्स। यस और नो? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ या ना? हाँ जी। अब मैं आपको इन 4 महीने का प्लान दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कामयाब होना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो मजे तो आप कर ही रहे हो।
स्टेप नंबर वन, आप टाइम को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप रात में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो दिन में, वो आपको डिसाइड करना है। स्टेप नंबर वन बेटा जी, आपको जैसे ही आप सुबह उठते हो, मैं अपना, अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं अपना स्टडी प्लान बता रहा हूँ कंसिडरिंग करंट सिचुएशन। मैं सुबह उठता 3 से 4 बजे, 100% उठता चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में। और बेटा 7 बजे तक ये एक 3 आवर्स का स्लोट बनाता मैं, और इसमें मैं सेल्फ स्टडी करता, जिसको आप रिवीजन का नाम दे सकते हैं। समझ आया? दूसरा, आप लोगों की क्लासेस चल रही है तो 7 to 8 में आप लोग ट्रेवल करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, जो भी आपको करना है रेस्ट करेंगे। 8 to 2:30 PM तक मैं बेटा क्लासेस लेता, मेरी जो भी मेरे को क्लासेस लेनी है, जैसे कि GST अगर ग्रुप 1 का चल रहा है, ऑडिटिंग या कुछ भी, 8 से 2:30 तक मैं अपनी क्लासेस लेता, नॉट मोर देन दैट। 6 साढ़े 6 घंटे मैंने वीडियो कंटेंट भी डाल दिया, चाहे वो फेस टू फेस है या वीडियो है। इसके बाद, ये मैं मेरा स्टडी प्लान बता रहा हूँ, अगर मैं स्टूडेंट होता तो क्या करता। आपने ऐसा करना है आप कीजिए, नहीं करना आपकी मर्जी है। मैं करंट सिचुएशन में ऐसे अपने आप को डील करता। तीसरी सिचुएशन में बेटा, मैं 2:30 बजे से लेकर तकरीबन 4 बजे तक ना, मैं एक लंच कर कर सोता यहाँ पे। ठीक है? ठीक है सर। फोर्थ, मैं 4 PM पे वापस से उठता और तकरीबन 7 बजे तक वापस से 3 आवर्स क्या करता? सेल्फ स्टडी। किसके बिना? सीए कोई बन के दिखाए मुझे। पांचवा, यहां पे मैं वापस से 7 PM पे बेटा, 8 PM तक या 8:30 तक ले लीजिए आप, एट थर्टी तक मैं आपको सबको बना के दे रहा हूं। यहां पे मैं, यहां पे वॉक पे जाता, जो बच्चे जिम जाते हैं जिम चले जाते, योगा और डिनर। सर इतनी जल्दी? हाँ बेटा जी, डाइट आप प्लान करवा सकते हो किसी भी न्यूट्रिशन से, आपको कार्ब्स कम रखने हैं बेसिकली, अगर आप अच्छा आउटपुट चाहते हो तो। फिर सिक्स्थ और लास्ट मेरा डे का काम होता, मैं 8:30 या 9 बजे के आसपास बैठता जी, और 11 बजे तक मैक्सिमम, 10:30 ही रखता मैं, 11 तक जो भी अगर कोई क्लास और लेनी है मुझे वीडियो फॉर्म में, मैं उसे लेता। तो वीडियो फॉर्म मेरा यहाँ हो गया 6 से 6 घंटे के आसपास, और 2 घंटे मैंने यहाँ ले लिया, 8 घंटे, 6 घंटे सेल्फ स्टडी हो गई मेरी, 14 आवर्स आपका इफेक्टिव आउटपुट है। और ये इफेक्टिव आउटपुट कब आएगा बेटा, मैं ये भी बता देता हूँ, जब आपकी स्लीप, और उसके बाद एक नाइन्थ सेवेंथ और डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप क्या रहेगा आपका स्लीप 11 PM to 4 AM, कितने आवर्स हो गए? 5 आवर्स। ये प्लान तभी सक्सेसफुल कर पाओगे आप जब आप दिन में 2 बार स्लीप आउटपुट निकाल रहे हो। बैटरी चार्ज करो डाउन करो, चार्ज करो डाउन करो, 24 घंटे इफेक्टिवली चलना पॉसिबल नहीं है। मैंने तो इतनी रिसर्च कर रखी है अपनी बॉडी के साथ, अपनी बॉडी के साथ मैं जब भी उठता हूं ना 17 घंटे चलता हूं, 17 से 18 घंटे चलता हूं मैं, लेकिन उसमें से काम 9-10 घंटे का होता है। अगर 18 घंटे का आउटपुट निकालना है तो मेरे को 1.5 घंटे का ये चाहिए होता है। जिस दिन मैंने दिन में रेस्ट कर लिया, रेस्ट का मतलब यहाँ पे सोना ही है, मेरा आउटपुट 16 घंटे का निकलता है काम में, चाहे फिर वो लेक्चर हो, चाहे नोट्स हो, चाहे कुछ भी हो। ये बड़ी सिंपल सी बात है यार, हम कोई सुपरमैन नहीं है। सुबह उठेंगे 6 बजे और रात को 12 बजे तक पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते, भाई 8 घंटे के बाद थक जाओगे यार। यू नीड रेस्ट टू रिलैक्स योर बॉडी, यस और नो? हाँ या ना? तो वो कैसे आएगा सर? रेस्ट में मोबाइल सुन लू, गाने सुन लू? नहीं यार, स्टिल योर बॉडी इज एक्टिव, तो आपने बेटा उस टाइम पे रेस्ट करना ही करना है। दिस इज द प्लान। आप क्या करोगे, 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना ही करना है, उसमें आप एक स्लॉट के अंदर ग्रुप 1 रिवीजन चालू कर दो, दूसरे स्लॉट में क्या करें जो अभी क्लासेस चल रही है सुबह GST या वॉट एवर दी सब्जेक्ट, ऑडिटिंग, फिर आप रात को भी एक क्लास ले रहे हो अगर चल रही है तो, 3 स्लॉट है ना वीडियो के, तो आप एक स्लॉट में तो इन क्लासेस का रिवीजन करो और एक स्लॉट में ग्रुप 1 रिवाइज करो। दिस विल बी द बेस्ट स्टडी प्लान फॉर ऑल ऑफ यू। 14 आवर्स ए डे आप इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा 2-3 बातों का। एक, आपने अपना मेडिकल टेस्ट अभी करवा लेना है, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं मेडिकल टेस्ट अभी करवा लो बेटा, हेल्थ चेकअप। अगर कुछ डेफिशिएंसीज मिलती है एग्जाम में थोड़ी ना सही करोगे, विटामिन डी, B12 जनरली सबके डेफिशिएंट होते हैं,
आप उस पर दवाइयाँ लेना चालू कर दो। तो आप डॉक्टर से ना अपना एक मेडिकल टेस्ट करवा लो। दूसरा, डाइट मैनेजमेंट और स्लीप मैनेजमेंट का तो मैंने आपको टाइम दे ही दिया है। स्लीप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि सर 5 घंटे सो के मैं 14 घंटे पढ़ लूंगा, नहीं हो पाएगा। यू हैव टू टेक रेस्ट फॉर 2 टाइम, या फिर एक बार 8 घंटे, लेकिन एक बार भी 8 घंटे सोओगे तो भी आप 14 आवर का आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। 8 आवर्स के बाद आप थक जाओगे। तो अगर आपको बहुत अच्छा आउटपुट निकालना है सब कुछ, अब आप ये बताओ, अगर ये स्टडी प्लान से पढ़ता हूं मैं, तो मेरे अगर मान लो 30 लेक्चर पेंडिंग है ग्रुप 1 के, तो क्या मैं मान लो एक स्लॉट पकड़ लेते हैं अपन सेल्फ स्टडी का, यहाँ पे अगर मैं ग्रुप 1 का लेक्चर देख रहा हूँ, ठीक है, अभी अभी मैं ग्रुप 1 का रिविजन नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि कोर्स ही पेंडिंग है। तो क्या 30 दिन में मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा? हाँ या ना? और जो यहाँ पे ये सेल्फ स्टडी है, इसमें जो अभी रनिंग क्लासेस है उसका रिविजन कर लूंगा, जो रनिंग क्लासेस हैं सुबह उठते ही क्लास में जाने से पहले। तो आप मुझे बताओ किस किस डेट पे क्या क्या कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 30 डेज में अगर इस हिसाब से चलते हैं सर हम, तो नेक्स्ट, एक सेकेंड, बस लास्ट 2 मिनट में बेटा खत्म हो रहा है आपका वीडियो। ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के शेयर कर देना, क्योंकि मैंने नोटिस किया है स्टूडेंट बहुत पैनिक में है इस वजह से। आपको ये चीज बेटा पहले ही कर लेनी थी, पता नहीं आप अभी तक क्यों करते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसमें, 30 डेज, अगले 30 डेज में अगर आपका, देखो ये हर बच्चे का पेंडिंग नहीं होगा, मैं तो अजम्पशन ले रहा हूँ पेंडिंग है, नहीं है तो क्या करोगे इस वाले स्लॉट में? रिवीजन। आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया, हाँ या ना? कंप्लीट हो गया क्या? जीएसटी तो जिस टाइम पे चल रहा है, जो पेंडिंग सब्जेक्ट है वो तो, उसका तो मैंने अलग ही टाइम दिया है क्लासेस का, ये रहा नहीं ये रहा, हाँ या ना? चलो जी, 30 डेज में ग्रुप 1 का जो भी बैकलॉग है आपका सब खत्म। यहाँ पे महीना कौन सा खत्म हो गया? दिसंबर। दिसंबर खत्म, न्यू ईयर गया भाड़ में। हमने दिवाली नहीं मनाई इस बार की, पता है आप लोगों को? दिवाली से अगले दिन पेपर था ऑडिट का। मेरी मम्मी ने 50 फोन किए होंगे कि इस बार दिवाली साथ मनाते हैं। मैंने कहा मम्मी दिवाली से 10 दिन पहले आया था, दिवाली वाले दिन मेरी क्लास थी, शायद आप लोगों को ना पता हो। तो दिवाली वाले दिन भी, दिवाली से पहले वाले दिन भी 5 5 घंटे के लाइव सेशन थे। तो हमारे लिए बेटा सीए में पास आना वही दिवाली है, उससे बड़ा कोई सेलिब्रेशन नहीं है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट के लिए, वही सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। तो कोई दिवाली नहीं है, कोई न्यू ईयर नहीं है, कुछ नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए हमारा एग्जाम में पास आना इज द की। सेकंड में आपको क्या करना है बाबू, यहाँ पे आपका दिसंबर एंड में ग्रुप 1 खत्म, आप ना ऑडिट को जैसे मैं बोल रहा हूं फॉलो मी 100% विद रिविजन विद टेस्ट, ये मैं आपको करवा दूंगा। आप बस जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करते हुए चलो। होमवर्क भी लिमिटेड दूंगा, तो आप जो 3 घंटे का है ना ग्रुप 1 का रिवीजन वाला टाइम, उसमें आपका आराम से हो जाएगा। आपका ये फे बैंड तक, मैं फे बैंड ले रहा हूँ सिलेबस खत्म होने वाले टेस्ट को कंसिडर करते हुए, 100 मार्क्स के टेस्ट को कंसिडर करते हुए, आप आराम से ऑडिट का रिविजन खत्म कर दोगे। ग्रुप 2 का एक सिलेबस भी कम्प्लीट, रिविजन भी खत्म। जैसे ही 30 दिन में आपका जो भी पेंडिंग बैकलॉग है वो खत्म कर लेना दिसंबर में, उसके बाद आप क्या उस स्लॉट में क्या चालू कर देना, ग्रुप 1 का रिवीजन। मीनवाइल आपके मार्च तक तो आराम से आपके सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे जो चल रहे हैं। आपके पास अप्रैल और मई तो पूरा बचने वाला है। उसके बाद आपका ऑडिट का रिविजन हो चुका, 30 दिन के बाद जीएसटी कंप्लीट हो गया, तो ग्रुप 1 का रिविजन भी चालू हो गया, मार्च तक आप वो भी निपटा दोगे, हाँ या ना? तो ग्रुप 1 का पूरा रिविजन हो गया, ऑडिट का रिविजन भी हो गया, 3 घंटे में जो क्लासेस चल रही है उसको भी रिवाइज कर रहे हो। तो जो अप्रैल और मई है उसमें आप क्या करने वाले हो, वापस से रिवीजन और वापस से टेस्ट। तो आज के दिन अगर आप दिसंबर में हो तो मैं ये बोल सकता हूँ आप ना बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में हो, बहुत कंफर्टेबल। अगर आप पैनिक कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो उसको फ्री करो, पेपर पे लिखो ये स्टडी प्लान और इसको फॉलो करना चालू करो। सर मैं इसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। देखो जिंदगी में 6 महीने हैं आपके लिए, आखिरी 6 मंथ, ध्यान रखना मेरी बात। ये क्या मैं आपको लाइफ टाइम के लिए करना है क्या? ये 4 मंथ्स, दिसंबर सॉरी 6 मंथ, दिसंबर टू मई, आप अपनी जिंदगी को न्योछावर कर दो। किसके लिए? सीए के लिए। आप पास हो जाओगे, उसके बाद 2 साल आपने सिर्फ क्या करना है, आर्टिकलशिप। उसके बाद एक स्मूथ स्टडी प्लान है 4 घंटे का डेली का। उसके बाद 2 साल के बाद 6 महीने दे देना, आपकी लाइफ का पैटर्न ही बड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है? तो देखो जो हार्डवर्क करेगा, मेहनत करेगा, वो शाइन करेगा। तो आप डिसाइड कीजिए आपको शाइन करना है या क्या करना है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों।